चुनाव से पहले आए एग्जिट पोल से लेकर जी मीडिया के एआई एग्जिट पोल में भी तीसरी बार एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष के बनाए नैरेटिव और सियासी चक्रव्यूह के बीच मोदी के तीसरे टर्म को कंफर्म करने वाले असली फैक्टर कौन से दिख रहे हैं? क्या राम मंदिर का मुद्दा असर दिखा गया या जन कल्याणकारी योजनाएं? एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी के पक्ष में छप्पर फाड़ जीत की गारंटी दे रहे हैं। इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। अनुमान बता रहे हैं कि मोदी का ये वाला नारा सच की जमीन पर बुलंद होता दिख रहा है। 4 जून 400 पार। यही नारा चलता दिख रहा है, लेकिन कैसे? आखिर 400 पार के दुर्लभ लक्ष्य को मोदी सरकार ने कैसे भेदा? तो इसके पीछे है नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां और बीजेपी की रणनीति, जिसके दम पर विरोधियों की सारी नीतियां एग्जिट पोल में फेल नजर आ रही हैं और मोदी बम बम करते दिख रहे हैं। शायद उसी रणनीति के दम पर नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए बहुत खास बताया था। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही। तो मोदी इतने कॉन्फिडेंट आखिर कैसे हैं? कल आने वाले चुनाव परिणामों के लिए तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उन योजनाओं से प्रभावित वोट शिफ्ट का अनुमान, जिसके मुताबिक मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, किसान सम्मान निधि योजना, हर घर तक नल से जल योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी को 2000 चुनाव में कितना फायदा हुआ है या हो सकता है। उज्ज्वला योजना के जरिए करीब 10.25 करोड़ घर धुएं से मुक्त हुए, 11.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा, सिर्फ शहरों में ही 1.18 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों का लाभ मिला, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा हुआ, आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को निशुल्क इलाज मिला और करीब 11.5 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। अब पूरी बात समझिए। देश में इस बार करीब 97 करोड़ वोटर थे, इनमें से करीब 65% ने ही वोट दिए हैं, यानी करीब 63 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया। अगर आप हर लाभार्थी के परिवार में 4 लोगों को ही माने और इन सभी को 2-2 योजना का ही लाभार्थी माने तो भी औसतन करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जा सकते हैं। इस योजना में सबसे बड़ा गेम चेंजर का काम किया है 5 साल तक मुफ्त राशन योजना ने। इस हिसाब से मान लीजिए कि 80 करोड़ राशन पाने वाले लोगों में से भी सिर्फ 10 करोड़ वोटरों ने भी मुफ्त राशन के आधार पर प्रधानमंत्री को वोट दिया तो लाभार्थियों का सीधा आंकड़ा 30 करोड़ तक पहुँच सकता है। इसके अलावा बीजेपी के अपने समर्थक और RSS का खाटी कार्यकर्ता भी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। इनकी संख्या भी अगर अनुमानित तौर पर करीब 2 करोड़ ही मानी जाए तो बीजेपी के पास देश का करीब 30 से 32 करोड़ वोटर शामिल हो सकता है। बीजेपी दावा कर चुकी है कि 2019 के चुनाव में उसने 22 करोड़ लाभार्थी जोड़े थे। इस बार बीजेपी उससे कहीं ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने का दावा कर रही है। अगर एक बार फिर ये नीतियां चल गईं तो बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है और जैसा कई एग्जिट पोल में अनुमान भी लगाया गया है तो बीजेपी 400 पार तक या उसके करीब पहुंच सकती है। इनके अलावा तुष्टिकरण का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर और सनातन विरोध का मुद्दा, बीजेपी को इस मोर्चे पर भी सीधा लाभ होता दिख रहा है और ये वो लाभ है जो 400 के पार या 400 के करीब बीजेपी और NDA को पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBTV।